यस क्लास माय वॉइस इज क्लियर यस मैम और मैम दिख रही है आपको यस मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन फॉर यूटी टी वन गुड मॉर्निंग बेटे गुड मॉर्निंग आई वांट दैट ऑल स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए आज हम लोग क्या करेंगे अपने यूटी वन में जो चैप्टर आ रहे हैं व्याकरण के उन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे ठीक है ओके ओके okay, okay. सबसे पहले मैं ओके बेटे अलावना योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा चैप्टर सेकेंड आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है पहले आप मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है दिख रही है ना तो फिर आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि चैप्टर कौन सा है चैप्टर सेकेंड आ रहा है आपने यूटी में चलिए ठीक है चैप्टर का नाम बताइए जल्दी से हरिअप वर्ण एवं मात्राएं इट्स सेकंड चैप्टर इन व्याकरण तो सभी बच्चे पहले आप, अपन रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर वन बाई वन आपको एक एक टॉपिक में समझाऊंगी यस बेटे बिल्कुल वचन वाला भी करेंगे हम है ना अपन पहले ये क्लियर कर लेते हैं एक बार ये एक्सप्लेन करके फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चे यस yes, yes, बेटे आपको अच्छा लग रहा है यस yes, ओके okay, बेटे ओके चलिए ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण एवं है, मात्राएं हम्म अच्छा सबसे पहले देखते हैं कि वाला किसे कहते हैं याद है किसी बच्चे को नो 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 मैंने वर्ण नहीं बोला है अच्छा भाषा अपना फर्स्ट चैप्टर था भाषा वाला ठीक है और भाषा जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें क्या आते हैं छोटे छोटे अक्षर आते हैं ना अक्षरों से तो शब्द बनते हैं अक्षरों से शब्द बनते हैं शब्दों से मिलके वाक्य बनता है है ना जो अक्षर होते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं इतना तो हमें पता है आपको मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें वर्ण आते हैं जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कमल कमल एक शब्द है ना दिखने में तो उसमें दिखने में तो बेटे उसमें तीन ही अक्षर दिख रहे हैं हमें तीनों वर्ण दिख रहे हैं कौन से वाले क म -ले। लेकिन उसमें ध्वनि कितनी कितनी है किसी बच्चे को आइडिया है वेरी गुड दिवांगी बेटे बताइए कितने अच्छा इसमें कितनी ध्वनि है कमल में नो इट्स रॉन्ग आप भूल गए हाँ नो 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 आप भूल गए बेटे आपको याद नहीं है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो एक सेकेंड मैंने आपको बोला है कमल इसकी ध्वनि याद है कुछ याद कीजिए क्या क्या आएगा इसके साथ में वेरी गुड वेरी गुड आपको याद आ गया वापस देखिए आप एक सेकेंड बेटा मैं इसको आपको बता देती हूँ देखो मैंने लिखा है देखिए सब लोग मैंने बोला है कमल ओके और ये किस किस से बनता है क आगे आप लोग बोलिए मैं लिखती हूं बोलिए बेटे एक सेकेंड क प्लस बोलिए वेरी गुड म प्लस वेरी गुड और लास्ट में ए प्लस ल, ले प्लस ए अब लि एवरी वन मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा कितनी ध्वनि हो गई इसमें काउंट करो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ध्वनि है ना ये अपन ने जब चैप्टर कंप्लीट किया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें कोई भी शब्द बोलो कोई भी भाषा बोलो उसमें हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है ठीक है तो ध्वनि की कमल है इसमें टोटल कितनी ध्वनिया है छ वेरी गुड ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया अब मैं आपको बताती हूं जब हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं है? वर्ण कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और जब वर्णों का समूह होता है जब वर्णों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं वेरी गुड बेटा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं अब आप ये बताइए एक तो वर्ण की डेफिनेशन हो गई वर्ण की परिभाषा में आ गई एक हमें वर्णमाला की आ गई दोनों परिभाषा समझ में आ गई आपको ओके वेरी गुड वेरी गुड चलिए अंकुश 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 आप अंकुश आपको मेरी आवाज आ रही है आई थिंक नहीं आ रही कोई बात नहीं चलिए छोड़िए सबसे पहले वन की परिभाषा हो गई रूबल यू आर लेट बेटा ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम सबसे पहले मैंने वर्ण की परिभाषा बता दी आपको ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं उसके बाद अपन ने वर्णमाला का देख लिया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं यहां तक हो गया अब देखो ये हो गया और भाषा की जो वर्ण है वो भाषा की क्या है बताइए सबसे छोटी इकाई वेरी गुड वेरी गुड बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है ओके ये परिभाषा भी हो गई वर्ण, वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और ये क्या हो गया ये भी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई फिर फिलिंदा ब्लैंक्स दे दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे वर्ण कहलाती है ठीक है दागी। ओके दागी। और वर्ण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है अक्षर, अक्षर। वेरी गुड वेरी गुड वर्णों को अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते यस यस चलिए ठीक है एक तो एक तो इस शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं दूसरी परिभाषा ये वाली है ये मुझे रूबल सुनाएंगे रूबलियों को वेरी गुड ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को वेरी गुड बेटा चलिए अब हम बात करेंगे वर्णों के 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 भेद के भेद भेद की वर्ण वर्ण कितने होते होते हैं के no. दो भेद होते हैं दो यस बेटा यस स्वर और व्यंजन फर्स्ट यस बेटा पहला वाला हो गया स्वर ठीक है वर्णों के दो भेद हैं पहला वाला स्वर है और स्वर हमें अच्छे से पता है क्या होते हैं ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी यस बेटे तो जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा ना लेना पड़े उन्हें स्वर कहते ये चीज क्लियर है ना स्वर होते हैं ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि ए, ए ओ आ। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं अंग से अंगूर और खाली भी याद रख लेते हैं इस लाइन में लेकिन वो नहीं काउंट होगा इसमें जी अच्छा आप ये बताइए स्वर टोटल कितने होते हैं स्वर ग्यारह होते हैं यस स्वर ग्यारह होते हैं और स्वरों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती इट्स करेक्ट यस इट्स करेक्ट बेटे ओके चलिए ठीक है अब आप बच्चों इस इन जो स्वर वाला टॉपिक है स्वर वाला जो अपना यहां तक कंप्लीट हुआ है इसमें भी स्वर पे दो क्वेश्चन बन गए पहला हो गया स्वर की परिभाषा दूसरा हो गया स्वर कितने होते हैं लिखिए तो आप लिखेंगे स्वर ग्यारह होते हैं और फिर आप कंप्लीट लिखेंगे ऐसे लेकर औ तक इज इट क्लियर वेरी गुड वेरी गुड चलिए अब हम वर्ण के दूसरे भेद को देखते हैं वर्ण का दूसरा भेद क्या है व्यंजन है और इसकी डेफिनेशन देवांगी लाउडली बोलिए बेटा यस yes? बोलिए वेरी गुड व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छा व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं वाह वेरी गुड सभी बच्चों को याद है ये चीज तो देखिए से कबूतर खै से खरगोश से गमला ये सब कंटिन्यू लिखेंगे तो व्यंजन अब मैं आपको इसका उच्चारण करके बताती हूं क ख तो किसकी आवाज आ रही है इसमें एक ही ध्वनि आ रही है इसमें तो कै इन यस yes, बेटे वेरी गुड जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं और इसमें ध्वनि आ रही है सॉरी व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं और इसमें ध्वनि आ रही है स्वरों की तो परिभाषा क्लियर हो गई तो क्या परिभाषा हो गई वो वर्ण जिनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं व्यंजन कहते हैं ये इसकी डेफिनेशन हो गई ये इसकी डेफिनेशन हो गई परिभाषा हो गई और किसी भी वर्ण बेटा बीच में मत बोलिए बेटे किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता नहीं हो सकता यस नहीं किया जा सकता है यहां तक हो गया अच्छा आप में से किसी बच्चे मैं नाम लेती हूं वही बच्चा मुझे बताएगा गीतांजलि ओके बेटे क्या आप मुझे बताएंगे कि व्यंजन कितने होते हैं तैतीस होते हैं वेरी गुड बेटे वेरी गुड व्यंजन तैतीस होते हैं अच्छा अब मैं आप इसमें आपको अलग अलग वर्ग बता देती हूँ कौन कौन से हैं। जो कैसे कबूतर वाली लाइन होती है एक बार आप लोग बोलिए कैसे कबूतर कैसे खरगोश गैसे गमला घैसे घड़ी अड़े अड़े खाली यहां तक है क ख जो फर्स्ट लाइन है कै वाली इसको क्या बोलते हैं कै वर्ग अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कै वर्ग के व्यंजन लिखिए तो आप लिख देंगे व्यंजन तो हमें सबको लिखने आते ही हैं और अगर एग्जाम में आपको वर्गवाइज पूछ लिया जाए तो आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से लिखना आता है आता है ना बेटे ओके चलिए सेकंड वाली लाइन है ये कौन सा वर्ग है च वर्ग है ओ वेरी गुड और थर्ड वाली लाइन से टमाटर वाली टे वर्ग, टे धन। आपको इनका प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए उच्चारण करना आना चाहिए कि कैसे रीड करते हैं आता है आप सबको वेरी गुड त से तरबूज थे से क्या होता है थे से बोली थर्माज। थे थे थर्मस द से दवात और धे और से वेरी गुड अरे वाह वेरी गुड बेटे त थ न ये हो गया त वर्ग पै वर्ग हो गया और यव को क्या बोलते हैं बेटा इसको य वर्ग नहीं बोलते हैं इनको बोलते हैं वर्ण ओके ये भी अब आप ये बताइए इस लाइन में क्वेश्चन बन गया क्या वाला वर्ण कितने होते हैं काउंट करिए चार।, चार होते हैं यव क्लियर हो गया चलिए ठीक है बेटे जब आपको सामने दिख रहा है तो एक चीज और क्लियर कर देती हूं मैं कई बच्चों को बै और में फर्क नहीं पता होता नहीं पता होता जहां बै लिखना होता है वहां वो लिख देते हैं और जहां लिखना होता है ना वहां वह लिख देते हैं लिखते हैं ना जैसे वे से वन लिखना है वो बन बन लिख देंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिए अब इसमें आपको वर्ग सारे पता चल गए वर्ग होते हैं पै तक ठीक है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और पैवर्ग. अब ये हो गया और जो श। देखो बेटा लास्ट में जो शय वाली लेसन एवरी वन बेटा क्वाइट एवरी वन जब हम ये बोलते हैं श। बेटा इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है इसमें तीन है शर, शर, शे शलगम स से सटकोन और सैसे सरोज स से सरोज बोल सकते हैं हम और सह से सड़क भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं ना हाँ जी बेटा ये अच्छा मेरा नाम वाला शहर कौन सा वाला है यस ये वाला है, फर्स्ट बेटा फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है थर्ड वाला है थर्ड वाला है मेरा मैं लिसन मैं सरोज नहीं हूँ नहीं मैं हूँ सरोज तो आपको शहर से सड़क वाला है मेरा नाम में यह आता है गलती से भी मत बोल देना ठीक है अच्छा शहर से एक नाम बताते हैं शशि होता है ना शशि शशि होता है वो शै, इसी शहर से होता है चलिए ठीक है ये क्लियर हो गया अपना श ये कौन से वर्ण है अच्छा ऊष्म वर्ण है अभी आपकी क्लास में ऊष्ण वर्ण के बारे में आया नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूं आपको पता है, इनको उष्म वर्ण क्यों कहते हैं किसी बच्चे को आइडिया है क्या ये उष्ण वर्ण क्यों है किसी को क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह से उष्मा निकलती है गर्मी निकलती है समझे आप देखो शे, शे, शे है, आपके फील करना गर्म हवा फील होती है जब हम ये वाले रीड करते हैं ना शे, शे, शे है वाले जी जी आपको ये स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है बेटा ओके चलिए ठीक है अब आप, 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 ओके बेटा ओके क्वाइट क्वाइट अपना यहां तक हो गया वर्ण हो गया वर्णमाला हो गया वर्ण के दो प्रकार हो गए दोनों प्रकार अपन ने कर लिए स्वर और व्यंजन स्वर ग्यारह होते हैं और व्यंजन तैतीस होते हैं और इसके अलावा ओके ओके इसके अलावा अपने हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन चार होते हैं और संयुक्त उसका संयुक्त किसको बोलते हैं हाँ चार होते हैं आप इसकी जो बात बेटा इसका जो टाइटल है इसका जो नाम है संयुक्त व्यंजन वो क्यों है ये सुनिए पहले आप संयुक्त यानी होता है एक से ज्यादा क्या होता है संयुक्त जो दो वर्ण नहीं बोलेंगे अपन ये बोल सकते हैं एक से अधिक जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं वो व्यंजन क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन वेरी गुड संयुक्त व्यंजन है अगर देखो इसमें परिभाषा पूछी जाए आपसे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तो आप क्या परिभाषा देंगे एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर व बेटा मेरी आवाज सुनिए क्वाइट एवरी वन मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनिए एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त सम... वर्ण कहलाते हैं आगे मेरी बात समझ में एक से अधिक व्यंजनों से मिलके इसमें एक से ज्यादा व्यंजन है कैसे हैं अपन ने जो पहले व्यंजन देखे ना खा पा फा बा 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 सारे इनमें तो एक ही व्यंजन होता है कह है। सिर्फ एक ही से बने इनमें यही व्यंजन है ये वाला और ये वाला ठीक है अगर मैं बात करती हूं क्ष की तो ये किस किस से बना है क और शय से षटकोण से क्षय से षटकोण से बन के बनता है क्षय और त्रय से त्रिशूल है देखो प्रोनाशिएशन में पता चल रहा है बेटा सुनिए ध्यान से लिसन एवरी वन त्र तय और रे। तो ये बनेगा तय और र से तो ये एक से ज्यादा हो गए ना इसमें व्यंजन देवांगी बेटे देवांगी देवांगी वेयर आर यू बेटा यहां ध्यान दीजिए देखो संयुक्त व्यंजन में पहला वाला था क्षय ये बना है कै और शय से दूसरा वाला है त्रय त्रय बनता है तय और से तीसरा है ज्ञानी गे, ये बनता है जय और रह से जो तय की लास्ट में आता है और ये श्रै से श्रमिक है ये बनता है शय से शलजम और रहसे अब बेटे इसमें दो क्वेश्चन हो गए संयुक्त व्यंजन वाले टॉपिक में पहला हो गया आप एक तो हो गया संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं जिसका आंसर हम देंगे एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं ये क्लियर हो गया है मैं बार बार रिपीट कर रही हूं पहला क्वेश्चन तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम में ये लिख दू ये वाले ये वाले संयुक्त व्यंजन लिख दू और सामने में ये फिलिंदा ब्लैंक्स दे दू तो क्या आप फिल कर देंगे अगर मैं ये रिक्त स्थान दे दूं और आपसे ये पूछा जाए कि ये क्षय है ये किस किस से बना है कौन कौन से व्यंजनों से बना है और इसी तरह से पूछा जाए कि तरह से त्रिशूल किससे बना है तो आप ये लर्न कर सकते हैं ना बहुत इजी है जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये वाले व्यंजन बोल रहे हैं तभी क्लियर हो जाता है कि ये किस किस व्यंजन से मिलकर बनते हैं यहां तक क्लियर हुआ बेटे एनी डाउट किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा नाउ यू आर इन थर्ड स्टैंडर्ड आप लोग थर्ड क्लास में आ गए हो कोई छोटे बच्चे नहीं हो यूकेजी एलकेजी के के आपको चैप्टर के बीच का भी हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए चैप्टर के बीच में से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कोई बच्चा चाहिए। ये नहीं ये नहीं सोचेगा ये तो चैप्टर के पीछे था ही नहीं ये कहाँ से आ गया जो बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन है उनको लर्न करने की आदत होती है ना हमें वो नहीं होनी चाहिए चलिए इसके बाद है द्वितीय व्यंजन क्या है द्वितीय व्यंजन जी, जी 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 अब आप ये बताइए बेटा आगे सुनिए द्वितीय होता है दो द्वितीय यानी दो साफ पता चल रहा है जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार रिपीट होता है ठीक है एक ही व्यंजन रिपीट होगा दो बार ये मत कहना आप कि जैसे मैं ये लिख देती हूँ अगर मैं लिखती हूं इसमें न आप ये कह देंगे कि मैम इसमें दो व्यंजन है तो ये द्वितीय व्यंजन है नो द्वितीय व्यंजन की क्या डेफिनेशन होती है द्वितीय व्यंजन वो होता है जिसमें एक व्यंजन दो बार आए जैसे लिसन एवरी वन इधर बेटा ये मैंने क्या लिखा है मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूं ये क्या है बच्चा, बच्चा। इसमें कौन सा व्यंजन है जो दो बार आया है छह व्यंजन है यस तो ये वाला जो शब्द हो गया ये द्वितीय व्यंजन वाला हो गया इसमें एक व्यंजन दो बार आ रहा है ठीक है अपना डेफिनेशन क्लियर हो गए हो जाएगी इसी से ही कि जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन लेसन एवरी जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए एक से ज्यादा बार आए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल बोली लावण्या खट्टा देखो इसमें टय दो बार आ गया है ना दूसरा वाला बोलो वेरी गुड और एक अभी मैम ने लिखा था और बच्चा बच्चा भी हो सकता है ना ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उनको द्वितीय व्यंजन कहते हैं चलिए इस हाँ जी और इसके बाद हम क्या देखेंगे देखिए अनुस्वार अब हम क्या देखेंगे अनुस्वार अनुस्वार क्या बेटा अनुस्वार देखिए अनुस्वार होता है अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु ये चीज मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाई थी जब किसी भी देखिए जैसे मैं आपको एक शब्द लिख के दिखाती हूं ये मैंने क्या लिखा है जरा पढ़िए तो एक सेकंड एक सेकंड रुके एक सेकंड रुके मैं आपको अभी लिख के दिखाती हूँ आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना रुकिए अच्छा एक सेकेंड बेटा प्लीज वेट अब आप दिखेगा आपको थोड़ा बड़ा लिखेगी मैम ये क्या है बदर, नहीं बंदर तो नहीं है आपने नो 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 नो, नो गलत बोल, ग, बदर जो ब, जो बच्चा बदर बोल रहा है दैट इज राइट ये बंदर नहीं बदर है क्या है ये बदर है बदर क्या बोलेंगे इसको बदर।, बदर और बंदर अच्छा बदर और बंदर एक ही होता है क्या नो no. जब हमको इसको बंदर बनाना है मंकी बनाना है तो हम इस पे क्या करेंगे बै के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, देंगे। यस यस वेरी गुड चलिए चलिए वेरी गुड इसी तरह से आप आगे देखिए ये क्या लिखा है मैम ने मदीर मदीर और ये ये क्लियर हो गया एक मिनट एक सेकंड बेटा एक सेकंड रुके मादीर। वापस लिख हाँ हाँ मदीर था ये और अब क्या हुआ अब क्या बन गया बिंदी लगाते ही अनुस्वार लगाते ही ये मंदिर बन गया अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओके okay. हाँ जी बेटा वेरी गुड किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं ठीक है जो इंग्लिश में जिसको डॉट बोलते हैं ना ये रहा देखो आपको ये वाला बिंदु होना चाहिए ओके okay. ये वाला बिंदु है राजा ये लिसन एवरीवन वन बेटू ये वाला बिंदु है जिसे अनुस्वार कहेंगे नॉर्मल वाला डॉट ये वाला देखो मैम लगा रही अनुस्वार ऐसे ठीक है ओके तो बहुत इजी हो गया कंफ्यूज नहीं होना अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है बहुत इजी डेफिनेशन है रटना नहीं है हमें किसी भी चीज को हमें समझना है इसके बाद वाला है अनुनासिक क्या है अनुनासिक वाण के ऊपर लगने वाला बिंदु बेटा इसको वाण के लावण्य क्वाइट लावण्य लावण्या वाण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुनासिक कहते हैं क्या चंद्र बिंदु।, चंद्र बिंदु को वेरी गुड वेरी गुड यस देवांगी वेरी गुड वेरी yes, वेल डन well बेटे देखिए अनुनासिक में और अनुस्वार में ये फर्क है डेफिनेशन में बेटा जब आप मेरी आवाज सुनेंगे साइलेंटली सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा देखिए अनुस्वार और अनुनासिक की परिभाषा में ये अंतर है कि वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक अनु कहते हैं यस देखिए इसमें भी हा देखो येरा अनुनासिक का चिन्ह होता है ये वाला अनुनासिक में भी बिंदु है लेकिन हमने उस बिंदु को नाव में बिठा दिया ये किया है ना ये किया है ना हमने अनुनासिक में हमने बिंदु को नाव में बिठा दिया तो वो चंद्र बिंदु बन गया या तो नाव बोलिए या फिर आधा चांद बोलिए आधा चांद है ना आध… ये वाला आधे चांद के अंदर बैठ गया बिंदु तो ये चंद्र बिंदु हो गया ठीक है अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु होता है किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाला ठीक है अब हम बात करते हैं विसर्ग की विसर्ग होगा वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा दोहरा मतलब होता है दो बेटा दोहरा लिखा ना इसमें दोहरा बिंदु इसका मतलब ये दो दो बिंदु लगे हैं ऐसे है ना आई बात समझ में जी जी विसर्ग है वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु ये इसको कहेंगे विसर्ग और इससे बने बनने वाले शब्द क्या है वेरी वेल डन अरे वाह आपको प्रोनाउंसिएशन भी आता है वेरी गुड बेटा पुनः है अतः है ऐसे बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है हाँ जी यस प्रातः है प्रातः मीनिंग क्या क्या होता है प्रातः किसको बोलते हैं सुबह को यस चलिए चलिए वेरी गुड बेटा एक सेकेंड इसके बाद अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है मात्राएं यस ऑफ पॉवर्स क्या साइन है इसका देखेंगे हम मात्राएं अभी आप ये किसका डायग्राम है भाई बताना देखे आई लाइक टू ईट आम मैंगो आपको भी मैंगो पसंद होगा ना अभी तो सीजन है आम का हम लोग आम इतने खा रहे हैं तो अच्छे से पता है जिसको ने बच्चे ने नहीं पता वो भी कह देगा ये आम है मैम मैंने कल ही लिया था इवनिंग में है ना ये आम है आप ये बताइए आम जो ये लिखा हुआ है इसमें कौन सी मात्रा है आ की मात्रा ये रही जो आपको अलग से शो हो रही है पिंक कलर में मात्रा लगी हुई एंड ये क्या ये तो सभी बच्चों का फेवरेट है भाई साइकिल हम सब लोग साइकिल चलाते हैं ना मॉर्निंग में इवनिंग में Yes, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है साइकिल से भाई तो साइकिल है ये और सभी बच्चों को बहुत पसंद होती है इसमें दो मात्राएं हैं कौन कौन सी हैं yes, एक तो हो गया देखिए जो पहला वाला शब्द दे पहला वाला अक्षर है स वर्ण है ना इसके साथ आ गई आ की मात्रा ये ई तो ऐसे ही लिख दिया इसमें और कै के कौन सी मात्रा लगी हुई है छोटी की मात्रा साइकिल या, या तक हमको समझ में आ गया है अब हम देखिए इसमें जो अब देखो बेटा ये आम और साइकिल है इसमें आपको ये लिख के बताया गया है कि आम और साइकिल शब्द में कुछ रंगीन शब्द हैं और ये रंगीन मैंने आपको बता दिए कि पिंक से कलर से आप अपनी बुक में देखना या तो रेड कलर दिखेगा या पिंक कलर दिखेगा उससे ये अलग से ये दिखाया गया है ना ये वाली मात्रा छोटी की ये आ की मात्रा और इसमें भी आ की मात्रा तो हम क्या बोलेंगे यस yes, बेटे आम और साइकिल शब्द में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये स्वरों की मात्राएं होती हैं और ये स्वरों की मात्रा क्यों है देवांगी बेटे एक जगह बैठ जाइए प्लीज एक जगह बैठ जाइए देखो कैसे है इधर देखिए ये जो है ये तो होगी आ की मात्रा ठीक है आ जो स्वर है इसको जब हम किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं ना तो ऐसे जैसे मुझे का लिखना है का तो क्या मैं क आ ऐसे लिखूंगी क्या बताइए नो इट इज रॉन्ग हम कह लिखेंगे क आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे ना इट इज राइट यस अगर हमें का लिखना है तो ये सही है क के साथ आ की मात्रा ये थोड़ी है कम क और आ दोनों लिखेंगे तो व्यंजन के साथ आ की मात्रा आ गई तो ये देखिए स्वर की मात्रा है जो आ है ये आ की मात्रा ये आ की मात्रा, है ना इसकी। इसलिए हम इसको स्वर की मात्रा बोलेंगे इसी तरह से अभी हमको की लिखना है तो हम क्या कै के साथ ई लगाएंगे क्या अगर ये लिखा है तो ये रॉन्ग होगा छोटी की हम ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना बेटे कभी भी जब मात्रा लगानी होती है तो मात्रा हमेशा स्वरों की होती है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि व्यंजन के साथ हम स्वर लिखेंगे नहीं व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लिखेंगे ठीक है तो ये देखो ये स्वरों की मात्राएं होती है चाहे आप कोई भी मात्रा वाला शब्द ले लो जैसे मुझे लिखना है कोमल तो मैं लिखूंगी को म ल है ना और आपको वर्ण विच्छेद करके बताएं बेटी बेटा क्वाइट एवरी वन इसके साथ में क्या आया है ओ फिर आया है मै फिर आया है ए और लास्ट में आया है ले और ए यही आया है ना ये मात्रा आई है साथ में और मैंने ये क्यों लिखे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन है उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं जब उनका उच्चारण करते हैं तो साथ में स्वर आते हैं व्यंजन कभी ऐसे नहीं दु... जब हम ध्वनि के रूप में लिखेंगे ना वर्ण विच्छेद करके तो उसमें ध्वनिया हमें शो करनी पड़ती हैं। ठीक है अब इसका मोटिवेट ये था इसका बताने का तरीका सिर्फ ये था कि आपको मात्राएं होती हैं, वो हमेशा स्वरों की होती हैं, वो व्यंजन के साथ लगी है इन दोनों शब्दों में आम में भी और साइकिल में भी आ गई मेरी बात समझ में दाएं। 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 ठीक है कौन बोला नो मैम लावण्या क्या समझ में नहीं आया बोलिए लावण्या लावण्या बेटे मजाक मत कीजिए क्या समझ में नहीं आया है मुझे बताइए आप आप कह रहे हैं ना नो मैम तो मुझे बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया है अब आगे देखिए और किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है यहां तक हां जी मात्रा किसे कहते हैं ये तो मेन क्वेश्चन तो यही हो गया जब स्वरों को साथ में लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है जिसे मात्रा कहते हैं जी जी बहुत क्या हुआ बेटा स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं हाँ ठीक है देखो आगे जब स्वर है वो भी देखो क्या लिखा है इसमें स्वरों को भी दो प्रकार से लिखते हैं एक तो अपने मूल रूप में बेट लिसन क्लास मेरी बात सुनिए जब हम स्वरों को दो तरीके से लिख सकते हैं एक तो स्वर बेटे अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ देखिए एक तो स्वरों का में जो मूल रूप होता है वो तो ये होता है यही है ना स्वर तो यही है अगर आप लावण्य क्या समझ में नहीं आया था बेटा बोलिए मूल रूप जो होता है स्वरों का वो होता है ए आ ई ऊ ऋषि ए तो मूल रूप है ठीक है उनका जिस तरह से हमें लिखा जाता है और जब उनको व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं तो देखिए मैं आ मा बन गया ना मैं के साथ आ की मात्रा लगी मा ये मैंने आपको भी समझाया था कै के, के साथ छोटी की मात्रा लगी की थ के साथ बड़ी की मात्रा यहां तो इन्होंने मात्रा दिखा दी है ठीक है हमें इसको ये यू दिखाना चाहिए था ये ऐसे दिखाना चाहिए था ना जी तो के, देखो थे के साथ बड़ी की मात्रा थी ठीक है फिर आएगा रे के साथ ये दिखाया है ओ की मात्रा तो हम इसको ये यू भी दिखा सकते हैं तो ओ की मात्रा रे के साथ लगी रो आ गया समझ में बेटे तो देखो आपको इसमें व्यंजन के दो रूप बता दिए एक तो इनका मूल रूप हो गया ए, आ, ए, ए, उ, 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 ये वाला और एक इनको व्यंजन के साथ मिला के लिखेंगे तो व्यंजन के साथ ये वाले नहीं आएंगे इनकी मात्रा के रूप में लिखेंगे ठीक है तो अब यहां से सीधा इनकी परिभाषा देखिए सीधा जो मैं चीज अभी बोल रही हूँ वो इसमें लिखी हुई है कि स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते बल्कि इनके चिन्ह हैं ये स, बेटा सारे स्वरों के चिन्ह होते हैं मैंने आपको बता ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती ए की ए जो स्वर है देखो बेटा इधर मैं लिख देती हूं स्वर ठीक है तो ए की और यहां लिखती हूं मैं इसकी मात्रा तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा मैंने आपको बताई थी ये होती है छोटी ई की मात्रा ये इधर मैंने स्वर लिखा है तो इसकी ये मात्रा ये लगाऊंगी मैं आ रहा है समझ में है ना बेटे इसी तरह अगर मैं बड़ी ई लिखती हूं तो मैं इसकी मात्रा ये लगाऊंगी तो ये चिन्ह है ये जो मैं मात्रा लगा रही हूँ ना साइड में ये स्वरों के चिन्ह है किस स्वर का कौन सा चिन्ह होता है तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर लिखते हैं तो उनको मूल रूप में नहीं लिखते हैं। वहां पे स्वरों के चिन्ह साथ में आते हैं ठीक है और स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है स्वरों के स... जी हाँ हाँ जी बेटा ये डेफिनेशन हो गई कि जब हम व्यंजन को स्वर के व्यंजन के साथ स्वर लगाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं आगे देखिए ये चीज भी इसी में आ गई है कि ए को प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है वेरी गुड चलिए अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती आप क्या आंसर लिखेंगे ए स्वर, ए, स्वर। यस वेल वेल डन डन यहाँ तक तो मुझे लगता है हर बच्चे को हर क्लियर हो गया अब तो आप भी मुझे चैप्टर एक्सप्लेन कर कर सकते हो। कर सकते हो हो ना जी जी यस yes. चलिए ठीक है बेटा अब आगे देखो ये वाला चार्ट है तो हमने पहले ही नोटबुक में बना लिया बना रखा है ना सभी बच्चों ने जी हां जी अगर ऐसे एग्जाम में आ जाता है एक साइड स्वर लिखे हुए और ये वाला मैं फिलिंद ब्लैंक्स में दे दू तो आप मात्राएं लगा दोगे

बेटा इधर देखिए यहाँ पे के और लिखा है क्यों लिखा है भाई किसी बच्चे को आइडिया है क्योंकि ए है जो ए जो है उसकी मात्रा तो नहीं होती लेकिन वो हर व्यंजन में छुपा हुआ होता <hanses> है हर व्यंजन में छुपा होता है ए तो भाई मुझे मात्रा नहीं दी लेकिन मैं हर व्यंजन के साथ में रहूंगा ये उसने बोल दिया था कि भाई मुझे मात्रा तो नहीं दी आप लोगों ने लेकिन मुझे हर व्यंजन के साथ रहना है इसलिए वो हर व्यंजन के साथ है उच्चारण करते हैं किसी भी व्यंजन का तो साथ में ए का ध्वनि आती ही है ठीक है बेटे चलिए इसके बाद आपको हर मात्रा के शब्द बनाने आने चाहिए जैसे आपके क्वेश्चन बन जाता है आ की मात्रा के दो शब्द लिखो काम आम छोटी की मात्रा के लिखो इसमें लिखा है खिल गिर प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना छोटी की मात्रा होती है तो उसमें आवाज से पता चलता है खिल गिल गिर ऐसे जबकि बड़ी की मात्रा में नीली जोर आता है बड़ी की मात्रा बोलते हैं तो थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं कि नीली हरी ई ऐसे इसी तरह छोटे की मात्रा ये होती है इसके गुण सुन कुल ऐसे और बड़े की मात्रा का फूल मूली ठीक है आपको ये सारी मात्राओं के शब्द हैं बेटे ये याद करने हैं चाहे ये करो चाहे और अच्छा रहसे ऋषि का भी ध्यान रखना ये स्पेशल है इसमें कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं रहसे ऋषि की जो मात्रा होती है वो हमेशा नीचे लगती है नीचे लगती है ना yes, कई बच्चे क्या करते हैं कई बच्चे क्या कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं देखो ऐसे लिख देते हैं ग्रह है तो क्या ये रहसे ऋषि की मात्रा है क्या वो राखी मात्रा। ये रह की अलग मात्रा हां जी हम इसको ऐसे लिखेंगे ना तभी ये रहस्य ऋषि की मात्रा होगी तभी होगी ना हाँ जी अच्छा और रहसे ऋषि की मात्रा का किसी को और कोई शब्द भी आता है क्या मैंने क्या लिखा है कृष्णा कृष्णा शब्द क्रिश्णा क्रिश्णा है जी कृष्णा है इसमें भी रह के ऋषि की आती है तो आप ध्यान रखना अगर मैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रहसे ऋषि की मात्रा के दो शब्द लिखिए तो आपको वही शब्द लिखना है जिसमें नीचे मात्रा लगती है ऋषि की माइंड में रखना कि कौन सी मात्रा है इसकी कोई भी ऐसा रह मत लगा देना नीचे वाला या फिर एक ऊपर वाला भी आता है ऐसे मत लगा देना ओके, ओके चलिए यहां से औ की औ तक औ से ओखली औ से औरत तक अपनी मात्राएं कंप्लीट हो गई इस वाले चार्ट में आपको क्या याद करना है कि किसी भी स्वर की कौन सी मात्रा होती है और उस मात्रा से बनने वाले शब्द एटलीस्ट आपको शब्द बनाने आने चाहिए देवांगी वेर आर यू बेटे कहा ध्यान है आपका हाँ कोई फंक्शन चल रहा है क्या है बेटे हाँ तो चलिए इधर देखिए अब हो गया लास्ट में है देखो रे में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं नीचे नहीं बल्कि इस प्रकार लगाते हैं अब ये ध्यान रखना ये हमें कैसे ध्यान रखना है देखिए जैसे हम कै के साथ बेटा मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दिया है कह के साथ अगर मैं छोटा ऊ की मात्रा लगाऊ ना ये वाला ऊ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी एम आई राइट एम आई राइट और अगर कह के साथ मैं बड़े ऊ की मात्रा लगाती हूं तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी इज इट राइट वेरी जी जी ओके बेटे आप ये सारे के सारे व्यंजनों के साथ छोटे और बड़े ऊ की मात्रा आती है तो ये वाली मात्रा लग जाती है यहां तक तो हमें आता है ना इसमें डिफरेंट क्या है अगर व्यंजन ले लिया अगर हमने रे व्यंजन लिया है तो रे के साथ में अगर हमने छोटा की मात्रा लगाई है और बड़े ऊ की मात्रा लगाई है तो वो इस तरह से नहीं लिखेंगे ये सभी बच्चे ध्यान से देखिए देखो रे के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो वो इसके बीच में लगती है पेट में से निकल के ठीक है ये र है छोटा ऊ लगाया तो इसके पेट में से निकली है वो मात्रा तो के रुपया रुपया होता है ना देखो एग्जाम्पल ये रुपया अगर आपको र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगा के ऐसे बराबर का निशान लगा के फिलिंदर ब्लैंक्स दे दिया जाए तो आप ये वाला र लिखेंगे और उसके पेट में से मात्रा निकालेंगे छोटा है तो पेट में से मात्रा निकलेगी और बड़ा ऊ है और वो ऐसे निकलेगी बिना बिना घूमी हुई और बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वो पेट में से गोला बना के निकलती है आउच ऐसे बन गई हाँ बेटे देखो छोटा छोटा ऊ है तो वो रह में से यू लगेगा बड़ा ऊ है तो गोला घूम के निकलेगा ओके ये, ये देखो ये बड़े ऊ की बड़ा रू हो गया और ये छोटा रू हो गया अब इनके वाक्य भी जो शब्द हैं वो भी देख लीजिए रुपया रुचि रूप और रूठना <coughs> क्लियर हो गया बेटे चलिए अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक इसमें वर्ण हो गया देवांगी आई थिंक देवांगी को आज क्लास में मजा नहीं आ रहा है बेटे पहले तो मुझे बता दो ऐसा क्या स्पेशल चल रहा है, है? चलिए कोई बात नहीं आई नो वांगी ने कंप्लीट लर्न कर लिया है लेकिन बेटा जब क्लास में एक्सप्लेन होता है तो हमें ध्यान से देखना चाहिए है ना चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक बार इसके क्वेश्चन आंसर बता दें क्या आपको यस मैम ओके सबसे पहले हमें आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अभी तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ आंसर लिखना है पूरा लिख के टिक नहीं करना है ठीक है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं होते बोलो आंसर इज वर्ण ठीक है ओके okay. मैं इसके सामने हो जाती हूँ आंसर आप बताएंगे या नहीं देखेंगे ठीक है ना दूसरा वाला है हिंदी में कितने स्वर होते हैं भाई कौन बोला तीन तीन किस बच्चे ने बोला ग्यारह होते हैं स्वर ऐसे लेकर औ तक हाँ हाँ जी ओके okay. और जिसका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के लिए बिना ही हो जाता है वो क्या है वेरी गुड बेटे वो स्वर है चलिए इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं भाई तैतीस -टी। होते हैं थर्टी थ्री अच्छा अब ये प्रश्न उत्तर आ गए वर्ण की क्या परिभाषा होती है मुझे आ, हर बच्चा नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन में पूछती हूँ रूबल से बोलो रूबल तो को लिखने के लिए कुछ किया जाता वेरी no गुड और एक छोटी सी परिभाषा और थी वो मुझे देवांगी बताएंगी वेरी गुड well well और वर्ण के कितने भेद होते हैं पांच होते हैं क्या no man. मुझे लगा पांच होते हैं कौन कौन से होते हैं वर्ण no के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन वेरी गुड अच्छा जी no अच्छा रोनित है क्लास में रौनित yes, बेटे अनुस्वार किसे कहते हैं के ऊपर लगने वाली बिंदु को अनुस्वार कहते हैं वेरी गुड बेटा वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा उदाहरण हमें है मंदिर पंकज बंदर अंग कई कर लिया हमने ठीक है अब मैं बात करती हूँ मुझे नेक्स्ट वाला रिद्धि बताएंगी रिद्धि अंजलि रिद्धि है क्लास में रिद्धि आप मुझे बता सकते हैं क्या व्यंजन की परिभाषा नो सहायता से बोले जाने वाले बोलिए वापस से बोले जाने वाले वर्ण वाले वर्ण उसे वेंजन कहते हैं। वेरी गुड उसे व्यंजन कहते हैं या वो व्यंजन कहलाते हैं ओके okay. कौन पूछ रहा है मुझसे कोई ना? कैन आई स्पीक बेटा टेल मी योर नेम देवांगी यू आर वेरी गर्ल बार बार आप ही से पूछे व्यंजन की डेफिनेशन मुझे आ, क्लास में आई थिंक उत्कर्ष है क्लास में नहीं है गीतांजलि अब yes, बताओ बेटू व्यंजन किसे कहते हैं वेरी गुड ये भी ठीक है तो डेफिनेशन क्या बनेगी डेफिनेशन स्पीक अदर स्टूडेंट्स हैं कोई ऐसे देवांगी एंड रूबल के अलावा जो ये आंसर बताएंगे मुझे व्यंजन किसे कहते हैं देवांगी बताएंगी देवांगी नहीं मानेगी बिल्कुल सही बताया बेटे आपने आपका राइट आंसर है मैं और बच्चों से रिवाइज करवा रही हूं यस यस वेरी गुड गीतांजलि होता है उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं वेरी गुड जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं ये करेक्ट हो गया चलिए आगे देखिए टिक द दे करेक्ट ये सॉरी टिक द नहीं जो सही बात है उसको तो हम सही बता देंगे राइट लगा देंगे जो गलत बात है उसको हम क्रॉस लगा देंगे हमें ये काम करना है अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है यस मैम और दीर्घ स्वरों की संख्या आठ होती है नहीं होती एक से अधिक व्यंजनों से मिलके वर्ण संयुक्त संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं अगर एक से अधिक व्यंजन है तो उसे बनने वाले वर्ण को क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन ये हो गया अपना और अक्षय है वो संयुक्त व्यंजन है वेरी गुड वेरी गुड बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई मेरे तो सब लर्न कर लिया नाउ लास्ट वाला ये आ गया अब अपना ये तो बहुत इजी है व्यंजन जिसमें एक व्यंजन दो बार आता है है ना हाँ जी खट्टा खट्टा क्या है इसमें अनविस विसर्ग पुनः है विसर्ग जिसके आगे दो बिंदु लगते हैं और अनुनासिक जिस पे एक बिंदु लगता है वो नहीं अनुनासिक तो वो था ना कौन सा वाला चंद्र बिंदु वाला जिसमें चांद में बिंदु बैठा था है ना आधे चांद में बिंदु बैठा था वो अनुनासिक गांव हो गया और अनुस्वार क्या हो गया वाँग। भांग वेरी गुड वेरी गुड अब ये सेकेंड चैप्टर अपना पूरा रिवाइज हो गया सब बच्चों को समझ में आ गया yes, yes, चलिए बेटे आप इस चैप्टर को लर्न करेंगे ओके okay? yes,